बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अपने पिछली वीडियो में हम डेबिट और क्रेडिट नोट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से डेबिट और क्रेडिट नोट्स को इशू करते हैं। व्यूवर्स, सबसे पहले हम एक डेबिट नोट इशू करेंगे अपने एक सप्लायर को। अगर आपको याद हो, जब हम इन्वेंट्री को परचेज कर रहे थे तो हमने एक हमारे जो सप्लायर है फ्रेंड्स मोबाइल जोन कराची, उससे हमने कुछ मोबाइल्स परचेज किए थे और उनमें से व्यूवर्स कुछ मोबाइल्स को हम फ्रेंड मोबाइल्स को सेल कर चुके हैं, अपने कस्टमर को सेल कर चुके हैं, लेकिन कुछ मोबाइल हमारे पास इन्वेंट्री में मौजूद है। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि उनमें से एक मोबाइल जो है वो डैमेज था, इसलिए हमें वो मोबाइल रिटर्न करना है अपने उस सप्लायर को और इसके लिए हमें उसे डेबिट नोट भेजना होगा। तो व्यूवर्स, डेबिट नोट किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए आप ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट कीजिए। व्यूवर्स, राइट साइड पर जो आपके पास ऑप्शन है, आप देख रहे हैं कि अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो है वो एक्टिव हो गए हैं, जबकि इससे पहले जब तक हमने कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको फीचर्स में जाके एनेबल नहीं किया था उस वक्त तक ये नज़र तो आ रहे थे लेकिन ये डिसेबल थे ऑप्शंस। तो व्यूअर्स, मैं डेबिट नोट को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे डेबिट नोट भेजना है। रेफरेंस में अगर मैं कोई डेबिट नोट का रेफरेंस नंबर लिखना चाहता हूँ तो मैं वो एंटर कर सकता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे डेबिट करना है बेसिकली अपनी उस पार्टी को, उस शख्स को जिससे मैंने चीज़ें खरीदी थी, तो और वो पार्टी थी मोबाइल जोन कराची। अगर आप गौर करें व्यूअर्स, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में सिर्फ आपके पार्टीज के अकाउंट्स आ रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस के अकाउंट्स यहाँ पर नहीं आ रहे, आपके दूसरे जो इनकम्स के अकाउंट्स हैं वो यहाँ पर नहीं आ रहे, सिर्फ आपकी पार्टी के अकाउंट्स आ रहे हैं। तो इनमें से आपको वो पार्टी सेलेक्ट करनी है व्यूअर्स जिससे आपने चीज़ें परचेज की थी और वो पार्टी थी मोबाइल जोन कराची। मैंने व्यूअर्स इस पार्टी को सिलेक्ट किया और इसका इस वक्त जो करंट बैलेंस है वो 76,000 है क्योंकि हमने इससे कुछ चीज़ें परचेज की थी और उनमें से कुछ पेमेंट कैश की सूरत में हम उसे ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन अब हमें बेसिकली इसे डेबिट करना है। और कितने से डेबिट करना है व्यूअर्स, अगर आपको याद हो हमने जो नोकिया C3 मोबाइल परचेज किया था वो 8500 के हिसाब से परचेज किया था, तो हम एक मोबाइल चूँकि रिटर्न कर रहे हैं तो हमें 8500 की अमाउंट से उसे डेबिट करना होगा। जो ही हम व्यूअर्स डेबिट का वर्ड यूज़ करते हैं, अमाउंट लेके एंटर करते हैं, यहाँ पर हमारे पास वो डिटेल जानना चाह रहा है कि आप अगर अपने इस क्रेडिटर को, अपने इस सप्लायर को डेबिट कर रहे हैं तो किस चीज़ के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, बेसिकली हम उसे एक इनवॉइस के अगेंस्ट डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हमने उससे इस इनवॉइस के तहत चीज़ें परचेज की थी, इनवॉइस नंबर 345। इसलिए यहाँ पर दोबारा से मुझे ये अमाउंट जो है वो व्यूअर्स इनवॉइस नंबर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो इनवॉइस जिस इनवॉइस के तहत मैंने व्यूअर्स ये चीज़ें खरीदी थी उसी के अगेंस्ट डेफिनेटली मैं ये चीज़ें उसे वापस कर रहा हूँ। मैंने इसे एंटर किया व्यूअर्स, फिर एंटर किया और व्यूअर्स मैंने डेबिट कर दिया मोबाइल जोन कराची को। और व्यूअर्स, मुझे डेफिनेटली क्रेडिट करना होगा अपने परचेजेस अकाउंट को क्योंकि जब मैंने मर्चेंडाइज खरीदी थी तो मैंने परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया था और अब जब मैं मर्चेंडाइज वापस कर रहा हूँ तो मुझे अपने परचेजेस अकाउंट को ही क्रेडिट करना पड़ेगा। जो ही मैंने परचेजेस अकाउंट को सिलेक्ट किया तो बेसिकली वो मुझसे ये जानना चाह रहा है कि हम कौन सी इन्वेंट्री वापस कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर अपने उस इन्वेंट्री का नाम मेंशन करना है जो मैं वापस कर रहा हूँ, नोकिया C3 जो कि 5 पीसेस में इस वक्त मौजूद है, मैं उसमें से एक यूनिट वापस कर रहा हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, क्वांटिटी की व्यूअर्स मैं एक क्वांटिटी लिखता हूँ और रेट देखिए क्योंकि पहले से डिसाइडेड था कि 8500 है, इसलिए उस खुद से 8500 के प्राइस यहाँ पे आ गए। व्यूअर्स, मैंने इसे अगेन एंटर किया और यहाँ पे मैं नरेशन में लिख सकता हूँ कि डैमेज पीस वॉज रिटर्न टू सप्लायर। और व्यूअर्स, फिर मैं एंटर करता हूँ, वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या इस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करना है, मैं यस कर देता हूँ। और व्यूअर्स, जो ही मैंने इसे यस किया, जो मेरा ये डेबिट नोट है ये रिकॉर्ड हो चुका है। और व्यूअर्स, इस डेबिट नोट का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ना चाहिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक तो हमारा जो मोबाइल जोन कराची का पार्टी का अकाउंट है उसमें डेफिनेटली 8500 से हमारा अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए क्योंकि अब एक मोबाइल हम उसे रिटर्न कर चुके हैं जिसकी पेमेंट हमने उसे नहीं करी। सेकेंडली व्यूअर्स, आपके पास जो है परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न जो है वो लेस, यानी आपके परचेजेस का अकाउंट डेफिनेटली रिड्यूस हो जाना चाहिए। तीसरा व्यूअर्स, आपके इन्वेंट्री का अकाउंट इफेक्ट होगा जिसमें आपकी इन्वेंट्री 5 के बजाय 4 यूनिट्स नोकिया C3 मोबाइल के रह जाएंगे। तो अब हम रिपोर्ट्स में जाके देखते हैं कि क्या हमारी इन्वेंट्री पर जो रेलेवेंट इफेक्ट्स पड़ने चाहिए थे क्या वो इफेक्ट्स डल चुके हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम पार्टी के लेजर्स को जाके देखते हैं। तो मैं रिपोर्ट्स के मेन्यू में से जाके डिस्प्ले को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करता हूँ और लेजर्स, और लेजर्स में से व्यूअर्स में मोबाइल जोन कराची का लेजर जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। और देखिए व्यूअर्स, हमने इस पार्टी से 1,76,000 रुपये की परचेजेस की थी परचेज इनवाइस परचेज वाउचर नंबर 1 के तहत,
फिर भी हमने उसे कुछ पेमेंट की थी 1 लाख की, और अब एक देखिए डेबिट नोट के अगेंस्ट हम उसे क्रेडिट करें 8500 और उसका बैलेंस जो करंटली रह गया है वो 67500 रह गया। इट मीन्स इस डेबिट नोट का जहां पर इफेक्ट डलना चाहिए था वो इफेक्ट यहां पर डल चुका है और हमारे पार्टी लेजर जो है वो अपडेट हो चुका है। व्यूअर्स दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है, हमें अपने स्टॉक की रिपोर्ट देखनी है कि क्या हमारे स्टॉक के ऊपर जो इफेक्ट डलना चाहिए था, यानी हमारी इन्वेंट्री के अंदर जो इम्पैक्ट डलना चाहिए था, क्या वो इम्पैक्ट डल चुका है। तो मैं यहाँ से इन्वेंट्री रिपोर्ट को सिलेक्ट करता हूँ और व्यूअर्स यहाँ से स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूं जिसका मैं इन्वेंट्री लेजर देखना चाहता हूं। तो मैं नोकिया C3 को सिलेक्ट करता हूं और व्यूअर्स देखिए यहां पर बेसिकली जो पूरी डिटेल आ रही है मेरी इन्वेंट्री की समरी आ रही है कि अप्रैल के महीने में मैंने 10 यूनिट्स परचेज किए थे 8500 के प्राइस के वैल्यू से। और फिर व्यूअर्स हमने जो आउटवर्ड गई हमारे पास 6 पीसेस गए हैं, उनमें से 5 पीसेस तो हमने सेल किए थे और 1 पीस हमने रिटर्न कर दिया और 4 पीसेस जो है इस वक्त हमारे पास इन्वेंट्री में मौजूद है। व्यूअर्स बेसिकली ये स्टॉक आइटम मंथली समरी जो है मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ जहाँ पे आप पूरी डिटेल तमाम किस्म के आप जो आपके लेजर्स हैं उनकी इसी तरह की समरी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक रिपोर्ट देखना चाहते हैं सिंपली आप ये देखना चाहते हैं कि आपके स्टॉक के अंदर क्या इम्पैक्ट डला है इसका, तो मैं मेन मेन्यू पे व्यूअर्स वापस आता हूँ और यहाँ से स्टॉक समरी को सिलेक्ट करता हूँ रिपोर्ट्स में से। और व्यूअर्स स्टॉक समरी में मोबाइल्स कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ और उसमें से नोकिया C3 देखिए इस वक्त सिर्फ 4 पीसेज हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि 1 पीस हम इसको वापस कर चुके हैं मोबाइल जोन को। और अगर इसकी भी हम डिटेल देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो वो दोबारा से मुझे वहाँ पर मंथली समरी पर जंप कर जाएगा ये टैली सॉफ्टवेयर, मुझे वहाँ पर दिखाएगा कि इस वक्त आपके पास ऑन हैंड जो स्टॉक मौजूद है वो सिर्फ 4 यूनिट्स मौजूद हैं नोकिया C3 के। तो व्यूअर्स इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से डेबिट नोट को रिकॉर्ड करते हैं और किस तरह से डेबिट नोट का इंपैक्ट हमारे डिफरेंट लेजर्स पर और हमारे डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर पड़ता है।